हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज़। और फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आप मेरे सामने ये मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल पे मैं जो सर्च कर रहा हूँ दैट इज़ तलियार लेक। और ये तलियार लेक आपको आता है हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, और मैं आज यहीं जा रहा हूँ। और रीज़न है जाने का क्योंकि एक सब्सक्राइबर है मेरे, हरप्रीत जी, उन्होंने मुझे यहीं पर इन्वाइट आज किया है कि आप यहाँ तलियार लेक पर आओ और यही मिलते हैं। मैंने डिसाइड किया कि चलो उनसे मिल भी लूँगा और ये तलियार लेक क्या है देख भी लूँगा। तो तलियार लेक जो फ़िलहाल मेरे घर से जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 56 किलोमीटर, और अगर मैं इसको कार ड्राइव से करता हूँ तो ये 57 दिखा रहा है। टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है और ये स्टार्ट मैंने कर दिया। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा कि इसमें यहाँ पे मैं यहाँ के बजाय इसमें रखना ज़्यादा सेफ़ समझता हूँ, क्योंकि एक तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा शेक करके इसमें लगता भी है, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे सेफ़ है। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे एडजस्ट, और अब आप देख सकते हो कि इसकी जो पोजिशनिंग है कितनी बढ़िया है। और ये कर दो आप बंद, ये सेफ़ हो गया। और एक चीज़ कि आप इसको यहाँ से ऑपरेट भी कर सकते हो, ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो ऑपरेट भी कर सकता हूँ। स्टार्ट दोबारा करना आप यहाँ से कर सकते हो और ये आपका पूरी तरह से काम करेगा फंक्शनली। इसको ज़रा चला के देखते हैं और देखते हैं कि ये, तो आप देखो, और इसको चला के देखते हैं और ये देखो आप, ये कितना बढ़िया से काम कर रहा है। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की ये, इस सफ़र को शुरू करते हैं। और मैं आपको दिल्ली से ले चलूँगा जो रोहतक में, और एक लेक है तलियार लेक जैसा कि मैंने बताया आपको, और साथ ही साथ आज एक सब्सक्राइबर है उनसे भी मिलेंगे वहाँ पे, हरप्रीत जी से। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये है दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग्स होती हैं, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो यहीं पे होती है दिल्ली पुलिस की। तो ये आप देख सकते हैं, ये नजफ़गढ़ में है दिल्ली के। और फ्रेंड्स, अब इसको तो आप देख सकते हैं, ये आपको पता लग गया कि क्या है। ये रोड साइड जो हमारा ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है वो है ये, और इसी कारण से एक ही साइड से जाना पड़ेगा आपको, और एक साइड जो है बिल्कुल पैक्ड है जैम। तो ये इसी तरह का है, और अब देखते हैं ये कब जाके आगे हमारा ओपन होता है। लेकिन ओ, ये क्या है, एक सेकंड पीछे करके देखो। मुझे ऐसा लगा कि बीच रोड पे ही मेन कंस्ट्रक्शन हो रखी है जो ये फार्मर प्रोटेस्ट है इसमें अभी, ये क्योंकि ये सब आप देख सकते हैं हट बने हुए हैं। लेकिन पीछे मुझे लगा कि एक पूरा का पूरा फुल फ्लेश कंस्ट्रक्शन हो रखा है। तो ज़रा एक मिनट कन्फर्म करता हूँ, देखता हूँ। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मेन रोड पर बीच में क्या कंस्ट्रक्शन हो रखा है क्या। यस, ये भी एक कंस्ट्रक्शन हो रखा है। नो आइडिया कब ये जैम खुलेगा। और फ्रेंड्स, रास्ते में ये मेरी नज़र पड़ गई इस पर, आप ये देखो, MiG-21, और ये ओरिजिनल है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अब यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, या स्क्रैप में करके तो रखा हो सकता है, लेकिन नो आइडिया कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर दिया। नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये ले जा रहे होंगे कहीं,
और इसको जो है यहाँ पे रख दिया है, स्क्रैप के लिए ले जा रहे होंगे शायद, यहाँ पे छोड़ा है। लेकिन आप देख सकते हो ये MiG-21, और स्टिल ये अभी हमारे देश में जो है इंडियन एयरफोर्स में स्टिल है अभी ये, और आप देख सकते हो। तो हमें जो है इट्स ऑनर कि एक MiG-21 को इतना नज़दीक से देखने का जो है मौका मिला है। आप भी इंजॉय करो। इसके व्हील्स देखो आप, यहाँ पे हैं प्लस वो है प्लस साइड में भी हैं, और गजब है यार, बहुत खूबसूरत। ये देखो सामने से, ये देखो, और ये मिग जब उड़ता है आकाश में तो ये जो है सुपर्ब है, हमारे देश की शान है, और ज़बरदस्त लग रहा है यार, नो डाउट। आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इस मिग को। आगे बढ़ते हैं, और ऑलमोस्ट मैं आ चुका हूँ। फिलहाल मैंने इसका सेटअप यहाँ पे कर दिया है और मैं ऑलमोस्ट आ चुका हूँ। 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 6 किलोमीटर, और बस मुझे आगे से राइट टर्न लेना है। अगर स्टेट जाते हैं आप तो पंजाब और हरियाणा में आप हिसार ये सब जगह जा सकते हैं, और स्टेट पंजाब भी जा सकते हैं, और मुझे लेना है राइट, तो आप राइट जाके रोहतक शहर में जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं ले चुका हूँ राइट। नज़रें चौकन्नी रहनी चाहिए आपकी जब भी आप राइट करें, तो कब कहाँ से कौन सी गाड़ी आ जाए कुछ नहीं पता है, सो यू शुड बी ऑलवेज ऑलवेज चौकन्ना, अलर्ट मोड पे बिल्कुल। और यहाँ लिखा हुआ है नगर निगम रोहतक आपका स्वागत करता है। चलो रोहतक में तो पहुंच गए। और फ्रेंड्स ये है कैंपस तलियार लेक का, 10 रुपए का टिकट प्राइस है, और चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है लेक का व्यू। तो फ्रेंड्स ये है आपको जो तलियार लेक है, ये यहाँ पे जो है तलियार लेक का जो बोर्ड बोर्ड होता है सामने का, वो है तिलियार झील रोहतक। तो तिलियार झील रोहतक चलते हैं, देखते हैं। ये दिल्ली से अप्रोक्स 50 किलोमीटर आपको पड़ेगा, अगर आप द्वारका साइड से हैं तो वेस्ट दिल्ली से आपको 50 किलोमीटर पड़ेगा, और रोहतक के लिए लोगों के लिए एक फेवरेट पिकनिक स्पॉट हो जाता है। शहर की शांति अगर आप कुछ से अगर आप दूर होना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। और ये छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं आपके जो आपका स्वागत करेंगे, काफ़ी सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे आपके फ्रेंड्स जो बैठे हुए आपको मिलेंगे, काफ़ी प्यारे प्यारे हैं, हर जगह आपको ये दिख जाएंगे, ये कोक पीते हुए भी दिखेंगे आपको। ये देखो आप, तो आपको तलियार में ये छोटे छोटे फ्रेंड्स दिखेंगे। ये देखो आप, ये देखो कितना छोटा है। और फ्रेंड्स ये है लेक जो कि आप देख सकते हैं सामने। लेक की बात करूं तो ये है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन 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 गर्मियों में आने के लिए बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मेरा जो मेन मोटो था आने का वो ये था कि अपने सब्सक्राइबर हैरी पाजी से मिलने का, उनसे मिल चुका हूँ और वो वीडियो आएगी अगली जो आएगी उन्हीं के साथ में होगी। बहुत मज़ा आया अभी, क्योंकि वो वैसे मैं उनसे जुड़ा देसी क्रूज़ के ही थ्रू था, लेकिन हम काफ़ी बात करते करते अच्छे फ्रेंड भी बन चुके हैं। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आओ आप, यहीं पे मिलते हैं और आप ये लेक भी देखना। तो लेक भी देख लिया, उनसे मैं मिल भी लिया हूँ, और उनके पास भी एवेंजर है और एवेंजर उन्होंने मॉडिफाई कराया हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने मॉडिफाई कराई हुई है, तो उनके एवेंजर को भी मैंने कवर किया है, उनसे भी बात की है, तो वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हैरी बाजी के साथ जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट होगी, तब तक आप फिलहाल इस जो लेक है इसको देखें, और लेक को आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, लोग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो जो भी लोकल्स हैं आसपास के लोग यहाँ पे अपना आ रहे हैं, अपना एंजॉय करते हैं, और
आज संडे का दिन है तो काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पे, बोटिंग भी कर रहे हैं लोग बीच में, उस साइड में बोटिंग भी कर रहे हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, एडवाइजेबल नहीं है कि बोटिंग करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो खैर, जिनको एंजॉय करना हो वो जिस तरह से वो ज़रूर करें, और वीकेंड राइड के लिए आप दिल्ली से अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, और आसपास आप देख सकते हैं एटमोसफेयर ये जो कैसा है, बिल्कुल हरियाली और बिल्कुल ग्रीनरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।